ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा और मैं अपने से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कल 1 मई 2024 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लग्न वाले जातकों के लिए। और सबसे पहले कल का पंचांग समझते हैं। कल वैशाख कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी और सप्तमी तिथि 5:46 प्रातः काल तक रहेगी। उसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। श्रवण नक्षत्र 3:11 प्रातः काल तक रहेगा। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर होगा। शुभ योग का निर्माण 8:01 रात्रि तक रहेगा। उसके बाद शुक्ल योग बनेगा। बवकरण 5:46 प्रातः काल तक। उसके बाद बालवकरण का प्रारंभ हो जाएगा। चंद्रमा कल पूरे दिन मकर राशि में गोचर करेंगे। तो आइए समझते हैं प्रत्येक लग्न वाले जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रारंभ करते हैं मेष लग्न वाले जातकों से। देखिए कल का दिन सामान्य से अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। खर्च की अधिकता रहेगी परंतु आर्थिक क्षेत्र में कहा जाए तो लाभ आपको मिलने वाला है। कार्य व्यवसाय में उन्नति के योग भी बन रहे हैं। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। जीवन साथी के साथ जो रिश्ते होंगे वो मधुर होंगे और प्रेम संबंध में कहा जाए तो विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देगा। 82% तक का दिन आपके लिए अच्छा है। कल का शुभ अंक 3 और शुभ रंग भूरा बन रहा है। अब क्या उपाय करना चाहिए इसको भी नोट कर लीजिए। आपको कल घर के मंदिर में घी का दीपक जलाना चाहिए। वृषभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन आप ऊर्जावान महसूस करेंगे और कार्य व्यवसाय में अधिकारियों का सहयोग भी मिलेगा। परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं, लेकिन जिनको माइग्रेन की समस्या है उनकी समस्याएं थोड़ी बढ़ सकती है और किसी बात को लेकर मानसिक तनाव भी हो सकता है। वाद विवाद जो रहेंगे वो हालांकि खत्म होंगे। परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। प्रेम संबंध में मनमुटाव भी खत्म हो जाएगा और शिक्षा के क्षेत्र में रुचि बढ़ेगी। 77% तक का समय जो है कल अच्छा दिखाई दे रहा है। कल का शुभ अंक 2 शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। मिथुन लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कल का समय आपके लिए उत्तम है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण बात को लेकर चर्चा भी हो सकती है। भाई बहनों के सहयोग से उच्च सफलता भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कार्य व्यवसाय के क्षेत्र में महत्वपूर्ण निर्णय भी आप ले सकते हैं कल के दिन। और कहीं लंबी दूरी की योजना बनाना चाहते हैं घूमने के लिए तो वो भी अच्छा है। जो विद्यार्थी जातक विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं वो कल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। जीवन साथी से तालमेल जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध सुखद रहेगा। 75% तक का दिन अच्छा है। शुभ अंक 7 शुभ रंग मैरून बन रहा है। उपाय के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ कल के दिन आपको करना चाहिए। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए कर्क लगन में स्वास्थ्य जो रहेगा पहले से अच्छा रहेगा और नौकरी में अवसर भी मिलेंगे। समाज में मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। हालांकि परिवार में किसी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है। जीवन साथी के साथ यात्रा की योग बनते हैं। किसी भी काम को जल्दीबाजी में बिल्कुल मत कीजिएगा और प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता बढ़ते हुई दिखाई दे रही है। 79% तक का दिन आपके लिए अच्छा है और कल का शुभ अंक 8 शुभ रंग सफ़ेद बन रहा है। उपाय के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक मंत्र का आपको जाप अगर करते हैं तो आपका दिन अच्छा बीतेगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। सिंह लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए कल का दिन आपके लिए भागदौड़ से भरा रह सकता है। अपने स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिएगा। खान पान पर विशेष ध्यान दीजिए। गृहस्थ जीवन में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। धन संग्रह करने में कुछ रुकावटें भी कल के दिन दिख रही हैं। दैनिक रोजगार के क्षेत्र में जितना भी आप प्रयास कर रहे हैं वो सार्थक रहेगा। कार्य क्षेत्र में अति उत्तम परिणाम मिलेंगे। वैवाहिक जीवन जो रहेगा वो मधुर बना रहेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो दिन आपका 72% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 7 और शुभ रंग ग्रे बन रहा है। उपाय के लिए माता सरस्वती की आराधना करें। दिन अच्छा बीतेगा। कन्या लग्न की बात करते हैं।
देखिए कल का दिन स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने वाला हो सकता है। जीवन साथी के साथ लंबी दूरी की यात्रा का योजना आप बना सकते हैं, जो अच्छा है। पारिवारिक जीवन में मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। वित्तीय स्थिति हालांकि कहा जाए अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। नए कार्यों की शुरुआत आप कल के दिन कर सकते हैं। करियर या व्यापार में दूसरों से सहायता प्राप्त होगी। प्रेम संबंध में किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकता है, लेकिन विद्यार्थियों के लिए जो दिन रहेगा वो अच्छा रहने वाला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो कल का दिन 74% तक अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 6 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए शिवलिंग पर सफ़ेद रंग की वस्तुओं का अगर आप दान करते हैं, जल से अभिषेक करते हैं, तो कल का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। अब हम अगले लग्न की बात करते हैं। तुला लग्न वाले जातकों के लिए कल का दिन कैसा बीतेगा? देखिए कल का दिन आपके लिए अत्यधिक शुभ रहने वाला है। एक तो स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा और कल आपकी मुलाकात किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से भी अकस्मात हो सकती है। परिवार में जो मतभेद चल रहा था उसके भी खत्म होने की संभावना दिख रही है। आर्थिक क्षेत्र जो रहेगा वो अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और कहा जाए कुल मिलाकर दिन 77% तक आपका अच्छा रहने वाला है। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए बजरंग बाण का अगर कल के दिन पाठ करते हैं तो दिन श्रेष्ठ बनेगा। वृश्चिक लग्न की बात करते हैं। देखिए स्वास्थ्य को लेकर आपको सचेत रहना चाहिए। वित्तीय मामलों में सूझबूझ से आपको फैसला करना चाहिए। ब्लाइंडली कोई भी फैसला नहीं करें। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिए। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होते हुए स्पष्ट दिख रहा है। जीवन साथी के साथ कहीं पर घूमना चाहते हैं तो उसके अवसर भी मिलेंगे। परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा। विद्यार्थियों को शिक्षा में अधिक मेहनत करने की आवश्यकता कल पड़ेगी। लव रोमांस सामान्य रहने वाला है। कुल मिलाकर 80% तक का दिन आपका अच्छा रहेगा। शुभ अंक 9 और शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए शिव मंदिर जाकर अगर शिव जी की आराधना करते हैं दिन अच्छा होगा। धनु लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपको सकारात्मक परिणाम देने वाला रहेगा। कार्य व्यवसाय को लेकर थोड़ा चिंतित भी हो सकते हैं। व्यर्थ के खर्च को करने से बचना चाहिए, अन्यथा कर्ज लेने की स्थिति भी बन सकती है। स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं कल के दिन। कल कोई नया बिजनेस शुरू करने का विचार मन में आ सकता है और जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर अनबन भी हो सकती है। परीक्षा के क्षेत्र में परिश्रम के बाद ही विद्यार्थी वर्गों को अच्छे परिणाम मिलेंगे, इसलिए मेहनत जरूर कीजिएगा। कुल मिलाकर कल का दिन 77% तक अच्छा रहेगा। शुभ अंक 1 और शुभ रंग केसरिया बन रहा है। उपाय के लिए शिव स्रोत का अगर आप पाठ करते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर लग्न की बात करते हैं। देखिए कल का दिन आपका अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, ये सबसे पॉजिटिव बात है। परिवार में कोई सदस्य बीमार पड़ सकते हैं और कार्य व्यवसाय में नई उपलब्धियां भी आप हासिल कर पाइएगा। जीवन साथी का आपको सहयोग मिलेगा। पैसों के ट्रांजेक्शन्स में बहुत सावधानी रखना चाहिए और लंबे समय से रुके हुए कार्य हालांकि कल के दिन पूरे होंगे। उच्च शिक्षा की प्राप्ति के लिए माता पिता का सहयोग भी आपको मिलेगा। 73% तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 4 और शुभ रंग नीला बन रहा है। उपाय के लिए शनिदेव को काला तिल अर्पित कीजिए, कल का दिन अच्छा बीतेगा। कुंभ लग्न की बात करते हैं। देखिए कल के दिन आध्यात्मिक क्षेत्रों में रुचि बढ़ेगी। किसी भी प्रकार का निवेश करने के लिए कल का दिन उत्तम रहेगा। पारिवारिक रिश्ते जो रहेंगे वो पहले से मजबूत होंगे। जोखिमपूर्ण कार्यों को करने से आपको बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ रिश्तों को मजबूत करने का ही आप प्रयास कल के दिन करेंगे। लव रोमांस में किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। कार्य व्यवसाय में भी कुछ चुनौतियों का सामना कल करना पड़ सकता है। शिक्षा को लेकर किए गए प्रयास सफल होंगे। कुल मिलाकर कहा जाए कल का दिन 79% तक अच्छा है। शुभ अंक 9, शुभ रंग पीला बन रहा है। उपाय के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादशाक्षर मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। अंतिम लग्न की बात करते हैं, मीन लग्न। देखिए पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी समस्याएं जो है
लगी रह सकती है। आर्थिक रूप से हालांकि आप मजबूत रहेंगे और शिक्षा में किसी अनुभवी व्यक्तियों का सहयोग भी आपको मिलेगा। भाई बहनों के साथ चल रहे मनमुटाव दूर होंगे। जीवन साथी का आपका जीवन साथी आपके साथ हर परिस्थिति में कल साथ देंगे। पैतृक संपत्ति से लाभ भी प्राप्त होगा। कुल मिलाकर 77% तक का दिन अच्छा रहेगा। कल का शुभ अंक 5 और शुभ रंग गुलाबी बन रहा है। उपाय के लिए गुरु का जो बीज मंत्र होता है उसको अगर आप जाप करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा।